हेलो, गुड मॉर्निंग पीपल। आज है हमारा चौथा दिन सिक्किम का, और चौथे दिन पे आज हम सबसे जल्दी रेडी हो चुके हैं। इट्स अबाउट 5 o'clock इन अ मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू गो आउट। और अभी ये इतना सारा इतनी इसीलिए पहना हुआ है क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गुरुडोंगमा लेक, जो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है एंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक इन इंडिया है। और जो दूसरा चीज़ है वो है काला पत्थर, जो हम देखने वाले। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द डे अर्ली। और गाइज, अगर आप सिक्किम में आते हो तो आपको नॉर्थ सिक्किम ज़रूर आना चाहिए, और अगर आप नॉर्थ सिक्किम आते हो तो आपको गुरुडोंगमा लेक और काला पत्थर ज़रूर आना चाहिए। वो किस लिए बोल रहा हूँ वो आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट अवे। अभी मॉर्निंग की जो हमारी राइड है वो शुरू हो चुकी है, और मॉर्निंग में हमने जो ब्रेकफास्ट है वो पैक करवा लिया है क्योंकि हम थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये है हमारी सैंडविच, चीज़ सैंडविच है। अमेजिंग, इसमें गाजर यूज़ किया है इन लोगों ने, गाजर और चीज़ खाएंगे बस। मस्त दिन की जो शुरुआत है वो कर देते हैं। बहुत चुके हैं आप, अभी मेरे पीछे देख सकते हो आइस ही आइस है। यहाँ पे आप देख सकते हो आइस के रास्तों में
अभी हम पहुंच चुके हैं बर्फीली पहाड़ियों के बीच में हम आ चुके हैं। इसको बोला जाता है काला पत्थर। अगर आप नॉर्थ सिक्किम आ रहे हो तो आप ये वाला जो फन है वो फन को आप महसूस कर सकते हो। आप यहाँ पे आके जो आइस का फन है बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। इतना ठंडा लग रहा है और सब ठंडी चली गई है और सिर्फ मजा ही मजा आ रहा है, मजा ही मजा आ रहा है। पोला पी जा रहा है। इट्स लाइक 15,000 feet। आप मेरे आजू बाजू का नजारा देखिए, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ है। गुरु डोंगमल लेक जाने से पहले चोपटा वैली के पास हम एक नजराना देखने गए जिसका नाम है काला पत्थर। काला पत्थर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ब्लैक रॉक। ये मेनली तो नेपाल के अंदर आया हुआ है जहां से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की शुरुआत होती है और यहां से माउंट एवरेस्ट विजिबल है, आप देख सकते हो। और यहां पे कुछ पार्ट जो है वो सिक्किम के अंदर है जो आज भी नो मैंस लैंड कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो ये जो ब्लैक रॉक है वो एक ऐसा एरिया है जो पूरे साल स्नो से कवर्ड रहता है और 0 पॉइंट से लेस क्राउडेड है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे देके दो ऑप्शन है, काला पत्थर या 0 पॉइंट, तो आप काला पत्थर जो है वो सजेस्ट कर सकते हो और यहाँ का जो नजराना है वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। गुरु डोंगमल लेक जाते हुए हमें एक वैली के दर्शन होते हैं जिसका नाम है चोपटा वैली। ये चोपटा वैली नॉर्थ सिक्किम का एक ऐसा पार्ट है जो लास्ट वेजिटेशन पॉइंट है और तीनों मौसम में अलग अलग लुक अपने को देखने मिलता है। हम जब यहाँ पे दिसंबर में आए हैं तो समर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और विंटर की शुरुआत थोड़े दिनों में होने वाली है, तो आप कहीं कहीं पे इसका फ्रोजन पार्ट देख सकते हो और कहीं कहीं से पानी एकदम एक्वा कलर का पानी जो है वो बहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये वैली थांगू विलेज से 13 किलोमीटर दूर और 13,200 फीट ऊपर आई हुई वैली है।
सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे गुरु डोंगमार लेक, और लेक का जो नजारा है वो दिखाऊँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे गुरु डोंगमार लेक है, आपको पूरा बीरोल शॉट दिखाता हूँ, लेकिन जबरदस्त ठंडी है यहाँ पे, और इट्स अ काइंड ऑफ यू नो हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक इन इंडिया, 18,000 फीट पे ये लेक है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू लाइक, बहुत मेहनत हो रही है गाइस। आप इस वीडियो को देखते जाओ और आपको प्रेजेंट करता हूँ बी रोल शॉट्स ऑफ गुरु डोंगमार लेक। दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं गुरु डोंगमार लेक, और ये पूरा जो लेक आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरीके से, आपको जिनेश दिखाएगा पूरा लेक जो है वो फ्रोजन है, एकदम एक्वामेरिन कलर जो है उसके अंदर बना हुआ है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है। एक साइड जो है वो वहाँ पे अभी भी पानी जो है वहाँ पे दिख रहा है हमें, और यहाँ पे माना जाता है कि जो गुरु डोंगमार जो है वो एक महाराज थे, एक प्रिस्ट थे, उन्होंने जहाँ पे हाथ रखा वो पानी जो है वो आज भी फ्रीज नहीं होता है, और वो जो पानी है वो पानी यहाँ के जो गांव वाले जो लोग हैं उनके यूज में आता है। तो यही स्टोरी है गुरु डोंगमार लेक की, लेकिन जब आप यहाँ पे आओ तब आप मेक श्योर करो कि यू नो लाइक बहुत सारा फोटो गैलरी जो आपका जो है वो भर जाने वाला है, और आपको पूरी तैयारी के साथ आना है, जैकेट वैकेट सब तैयारी के साथ, तभी आप इस पूरी ग्लेशियर वाली जो दुनिया है, ये जो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगी, ये पूरी ग्लेशियर की दुनिया आपको यहाँ पे ही देखने मिलेगी। तो जरूर से यहाँ पे गुरु डोंगमार लेक जरूर आइए। तो अभी इवनिंग का टाइम हुआ है 4 बजे, और हम निकल चुके हैं फ्रॉम लाचेन टू लाचुंग, और लाचेन से लाचुंग की जो जर्नी है वो अराउंड अपना कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स लगेंगे टू रीच लाचुंग। सो अभी आपको कुछ शॉट्स दिखा दे और डायरेक्टली मिलते हैं लाचुंग। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है। हम जा रहे हैं लाचेन से लाचुंग के लिए, और मैंने आपको बताया था 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी 2-3 घंटा तो हम यहाँ पे ही फंस जाएंगे ऐसा लग रहा है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो जो कितना लंबा जाम है, आप वहाँ तक देख सकते हो। तो लाचुंग की जो होटल है उसके अंदर हमने चेकिंग कर दिया है। अभी चेकिंग करने के बाद हमें जो रूम मिला है वो ये है, 3 ऑक्यूपेंसी के लिए ये 3 बेड वाला जो रूम है वो मिला है। यह है मिरर, और ठंडी बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इट्स लाइक -1-2 degrees। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वॉशरूम दिया हुआ है, और बहुत ही अच्छा
फर्स्ट क्लास रूम जो है वो यहाँ पे दे के रखा।